Um, we've been saying for months to Mr. Legault to give us a plan to reduce temporary residents that he's been clamoring for. Uh, and we haven't seen his share of it. Uh, the plan that we presented is measurable, whether you agree with it or not. We still haven't seen a single thing from him when it comes to temporary residence reductions. To news here at home where the Quebec government is pausing two major pathways to permanent residency as part of a plan to overhaul its immigration strategy. Premier Francois Legault says high immigration levels are straining social and health services, and the province will use this period to clear out the backlog of applications in the system. क्यों सरकार के तो जो मेजर प्रोग्राम्स थे वो बंद कर दिए गए हैं नेक्स्ट ईयर 2025 जून तक तो अब जून 2025 तक कोई भी आपको पीआर नहीं मिलने वाली है इन्होंने ये पॉलिसी क्यों पोज की है क्योंकि इनका कहना है कि हमारे पास बैकलॉग में ऑलरेडी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है काफ़ी सारी फाइल्स हैं इमिग्रेंट्स हैं इनका कहने का मतलब है कि हमारे पास बहुत सारी फाइल्स आई जा रही है इमिग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो इनको इतना ज़्यादा इमिग्रेंट चाहिए ही नहीं है तो इन्होंने अब दो तक रोक लगा दी है लेकिन उसके बाद का भी इनका कुछ नहीं

करते हैं कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में या उन्होंने वहां पे एक्सपीरियंस गेन किया है तो उनके लिए प्रॉब्लम ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है जो भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मॉन्ट्रियल में आते हैं मॉन्ट्रियल में स्टडी करते हैं वहाँ के कॉलेज से अपनी स्टडी करते हैं वहां पर एक्सपीरियंस भी लेते हैं लेकिन अब उनके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है डेली कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बुरी खबर आ रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैनेडा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और अगर हम देखें तो जो क्यूबिक सरकार है वो थोड़ी सी जो क्यूबिक के फैसले होते हैं वो थोड़े से अलग होते वो अपने ही फैसले ले सकती है थोड़ा -बो, थोड़ा बहुत कुछ अपनी तरफ से कर सकती है तो अब उन्होंने कि तो कि उन प्लान किया है कि वो स्टडी करना चाहते हैं क्यूबिक जाके स्टडी करना चाहते हैं तो कोई फायदा नहीं है नेक्स्ट वन ईयर तक सब कुछ बैन हो चुका है तो आप सब कुछ सोच समझकर फैसला लो जो आपको करना है सोचो देखो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तीस लाख रुपए लगाने वैलिड है नहीं है लगाऊं नहीं लगाऊं सोच समझ के फैसला लेने ले वाली ही सिचुएशन आजकल कनाडा के लिए चली हुई है है तो तो कनाडा आने का फैसला आप किसी जिद में मत मत लो लो देखम कि वो जा रहा है तो मैंने भी जाना है ये एक ट्रेंड बन चुका है आजकल कैनेडा आने का कि वो गया तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा मेरा दोस्त गया तो मैं भी जाऊंगा तो हर तरफ से कुछ ना कुछ डेली थोड़ी बुरी खबर ही आ रही है कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है तो रुको वेट करो सोचो समझो तब फैसला लो तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि कुछ अच्छी खबर के साथ तब तक अपना ध्यान रखो खुश रहो और वीडियो जितनी ज्यादा हो सके शेयर करो